गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, कैसी हो सभी? बढ़िया, गुड। अब हम क्या करेंगे? मैथ। कौन सा चैप्टर चल रहा है? टेंथ सर्कल। ठीक है, तो अब हम करेंगे 10.2। हाँ जी, कौन सा सम करना आज हमने? टेंथ। हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट। हाँ जी, पढ़ना मन से। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ जिसके टू एंगल का 180 हो। तो हमने प्रूव करना है इसमें कि वो एंगल जो है आपको दिया है 180। तो आपको इसमें कहा है प्रूव द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, जो टेंजेंट के बीच में बनते हैं, ड्रॉन एन द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। आपका एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसको ले सकते हो, सेंटर तो आपने इसमें क्या शो करना है कि ये जो एंगल आपका दोनों टेंजेंट को मिलके बना है, दोनों टेंजेंट को मिलके बना है वो आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अगर हम उनको 180 से माइनस करते हैं, क्योंकि दो ये एंगल आपके बनेंगे। ठीक है, हमने ये शो कर देंगे कि ये दो एंगल 180, तो अपने आप ही वो सप्लीमेंट्री हो जाएगी। अगर ये 110 आएगा तो जो 80 हो जाएगी। हमने ये शो कर देना कि ये दोनों एंगल जो है वो कितने के हैं? 180। प्रूव करना आपका काम। ये एंगल कितने का है? 90 है ना, दोनों 90। ये क्या बन रहा आपका? क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ फोर एंगल 360। 360 में से 90 माइनस कर दोगे तो क्या दोनों एंगल कितने आ जाएंगे? 180। सप्लीमेंट्री आ गया इसका। यही चीज आपने प्रूव करें, जल्दी से अपने अपनी नोटबुक पे। गिवन इसका लिख लेना, ए सर्कल विद ए सेंटर ऑफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट एट एक्सटर्नल पॉइंट पी। टू प्रूव एंगल, पॉइंट वाले नाम रखेंगे ए बी पी ओ। सबसे पहले इनके नाम रखेंगे, एंगल ए पी बी ए ओ बी 180। ये चीज हमने दोनों में प्रूव कर। जल्दी से करें सभी। जल्दी करें सभी प्रो। हाँ जी, करें अपना अपनी कॉपी पे। हाँ
जी किया सबने, चेक भी कर सकते हो क्या लिखोगे। देखो जरूरी नहीं कि हम सभी को अपनी तरफ से पूरी लाइनिंग, हम उनको शो कर एपी बीपी क्या है टेंजेंट, ठीक है कोई बात नहीं। सर्कल, सर्कल तो आपका ओ ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ए पी, तो आपका एंगल कितने का आ जाएगा ए 90 डिग्री और एंगल बी 90 डिग्री। कर लोगे ओ ई ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा एंगल ई ओ बी पी इक्वल 360। एंगल ए और बी आपके 90 90। एंगल ओ और एंगल पी प्लस 90 प्लस 90 180। एंगल ओ कौन सा चाहे वो भी अपना पूरा लिख सकते हैं, ए ओ पी प्लस ए पी बी 360 माइनस 180। माइनस करोगे तो 180। यही चीज हमने इसमें प्रूव कर, जल्दी करें अपनी नोटबुक पे। गुड, कर लिए सबने। यस सम रब करो। यस मैम। टीएम सम आप कर चुके हो। अब आपका 12th सम जो मेन सम है पेपरों में भी आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको 9th क्लास जो हमने हीरोन फार्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया निकाले। हाँ जी निशान टेन में पढ़ना। ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू बीसी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर द लेंथ्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सी इन फिगर फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। हमने साइड जो आपकी देखो बुक पे भी डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। हमने इसमें ए बी और ए सी जो है वो फाइंड आउट कर, अगर आपके ट्रायंगल ए बी सी इसके इनर सर्कल सेंटर जो आपकी डायग्राम बनी हुई है डी, साथ में नीचे आपको दे रखा 6 और 8 सेंटीमीटर डायग्राम बनाए सभी, और आपको रेडियस दे रखा 4 सेंटीमीटर। आपको इस सम में एसी और
EB फाइंड आउट करो, कौन सी AC और EB। आप इस सम को पहले ध्यान से देखें कि मैंने आपको क्या कहा था कि पहले हम इनके पॉइंट रख लेते हैं ABC D E F। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे, ये आपके ये भी रेडियस इन पॉइंट के, क्लियर हुआ इसका पॉइंट का, ये हमारे ये भी हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे सारे। इसके बाद ये सी ई और सी डी देखो दो टेंजेंट, तो आपकी ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना पार्ट। क्लियर हुआ कि हमारी टेंजेंट ये आपस में इक्वल हो, इतना पार्ट तो हमारे पास है। ऊपर वाले पार्ट को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक पॉइंट अब हम क्या कहते हैं, देखो हमारे पास सॉल्व करते समय हमने कौन सा फार्मूला यूज करना, पहले हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है, पहले हम ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल एस ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। तो हमारे पास ट्रायंगल में ए सी कितनी, हमारे पास एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 6 ए बी एक्स प्लस 8 और बी सी 8 प्लस 6 14 साइड तो सारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फार्मूला तीनों साइड्स है, वैसे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 b × h, वो हम इसके बाद में शो करें, पहले हम लीजिए पूरी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। फार्मूला इसका s ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2 ए बी, हम साइड सारी मान लेते हैं ना इनकी, कौन कौन सी ए बी सी मीन इनकी सम ऑफ 3 साइड्स, क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 प्लस 14 बाय में 2 एक्स और एक्स 2x 14 प्लस 14 28 बाय में 2 2 कॉमन x प्लस 14 नीचे 2 कट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा s सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ, अगर पेरीमीटर हमारे पास है तो हम उसका हाफ करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया में फार्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, निकाल लें सभी अपने अपने कॉपी पे एस के फार्मूले से। जल्दी से करें, अपने खुद करते जाएं, जितना खुद करोगे उतना आपको सही रहेगा। सभी करें
देखो कितना है आपका, जी यही है आपका भी। फोर्टी एट एक्स एक्स प्लस 14, ये था हमारा इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखो हमने क्या करना, हमने फाइंड आउट करना एक्स, एक्स किसी चीज के साथ तो वैल्यू वो रखेंगे ना। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिला, देखो ये हमारी ट्रायंगल बन गई ओ सी बी, सी ओ ए, ए ओ बी, तीन ट्रायंगल बनी है, एक ट्रायंगल के अंदर तीन ट्रायंगल, सबका बेस भी है, बेस जिसके ऊपर और उसका हैच भी है परपेंडिकुलर, ये भी हमारा किसका एरिया निकला है, ट्रायंगल ए बी सी। अब हम फिर निकालेंगे कितना बार करिए सबने, सबका हो गया, रब करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी। अब हम क्या करते हैं, अंदर की ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ सी ए, ए सी बी थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तीनों का हमारे पास पी बी और एच बी है। ये देखो ये एच बेस तो मैं दे रखा, इसका क्या आ जाएगा, वन बाय टू बी इंटू एच, वन बाय टू सभी के एच है तो हम बेस भी है, उस फार्मूले से हम इसको कर लेंगे, वन बाय टू ओ बी सी का बेस क्या है, बी सी, अगर आपको नहीं तो आप उसमें बी सी भी लिख सकते हो, बी सी इंटू ओ डी, ओ डी तो क्या आपको पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, वन बाय टू सेकेंड ए सी इंटू ओ एफ प्लस वन बाय टू ए सी ओ ई, सारे पॉइंट आ गए ना आपके पास, रेडियस तो सेम ही रहेगा तो ये आएगा आपका। अच्छा ये वाला एरिया कितना, कौन सा आया वो आपका, 48x प्लस 14 रूट, ये भी आपका साथ साथ चलता है। वन बाय टू 14 बाय में 4, चाहे इनको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो तो आपका पॉइंट जो है आपके क्लियर होते, ठीक है, प्लस वन बाय टू ए सी कितनी है, एक्स प्लस 6 इंटू 4, वन बाय टू एक्स प्लस 8 इंटू 4, क्योंकि जितनी साइड है हम वही साइड इनके लें, जल्दी करें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट 28 प्लस 2 एक्स प्लस 6 टू एक्स प्लस 8, साथ साथ आपका 48x एक्स प्लस 14 बाद में जाके कट होगा, ठीक है, जब हम करेंगे
उसके बाद इसका जो रूट है उसको हम खत्म करेंगे। रूट खत्म होने पे ही हमारा ये सम जो है वो सही है। ठीक है, अब इनको हम उसके लिख लें 28 2x 12 2x + 16। करो सबको प्लस। देखो कितना आ रहा है, जल्दी करें। प्लस किया कितना आया, 56 + 4x + 56। चलिए ध्यान से, आगे देखो इसका रूट खत्म करने के लिए क्या करें। स्केयरिंग करने के लिए अगर हमारे पास कोई कॉमन निकलता है तो हम निकाल लेते हैं। 4 लीजिएगा ना, तो क्योंकि हम स्केयर करके अब इनको स्केयरिंग कर दें। इसका रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 48x + 14। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो सेकंड वाले को हम वैसे ही लिख लेते हैं, दो बार स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर करने का आएंगे जी हमारी कट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा देखो, कट करने की चाहे सिंपल करो चाहे इधर लेके आके कर लो। इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 48x + 14। इधर से ये टर्म इधर ले आए 16x + 14। इधर कितना बचा हमारे पास x + 14। देखो इनको काटो, पूरे का पूरा कट गया, क्या बचेगा हमारे पास 3x x + 14। x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी 2x 14x 7। एक्स हमारे पास 7 आ गया, हम एसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 + x 6 + 7 13 8 + 7 15। दोनों जो हमने फाइंड आउट करना वो हमारे पास आ जाएगा एसी x + 6 x + 7 13 cm, ये भी x + 8 क्या आ जाएगा इसका आपका 7 7 + 8 15। यही हमारे दो आंसर हैं। क्लियर हुआ सम? इस सम को सिर्फ है आपका लेंथी लेकिन इजी है, सिर्फ 2-3 बार हमने इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एक बार हम 1/2 b × h, एक बार हम हीरो फार। क्लियर करें सम। जल्दी से करें, हाँ जी जल्दी से सम को ध्यान से करें और जो पहले करे वो भी ध्यान दें। ठीक है बेटा, अपनी कॉपी पे साथ साथ कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।